ऑफिस के बाद यहाँ पर ठंड ठंड कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लग रहा है। सर का सर क्यों नहीं खोला हुआ है? सर क्यों खुला हुआ है? क्या पहने कर? अरे मामा मुझे इतना ठंड है। आज आज मम्मी ने मुझे ठंडा पानी दे दिया था, स्कूल में गला बैठ गया। खाने क्या है घर में? समोसा है। हाँ बताया नहीं अभी तक समोसा है? तुमने पूछा नहीं इसलिए बताया नहीं। पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं। मुड़ी है? मुड़ी हाँ है। समोसा मुड़ी खाते है, चल फिर। मैंने खा लिया। मम्मी को पूछ, मम्मी ने खाया क्या? पूछ, मम्मी ने भी खाया है। तो यार हमको दो ना, हमको भूख लग रहा है यार, ऑफिस करके आया है कुछ। मम्मी को पूछ पहले, जा। तो यार ऑफिस करके इतना भूख लग गया था ना, उसके बाद मन करता है बाहर निकलने का। बाहर आके थोड़ा सा एक आधा सिगरेट विगरेट पी लो, थोड़ा सा हवा खोरी करो, फिर यहाँ पर आ जाओ घूम फिर के, फिर अपने घर जाओ। तो फिलहाल ऑफिस के बाद ज़्यादा सा भूख लगता है। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना, कुछ कुछ मेरा खाने का मन करता है। तो फिलहाल कुछ अभी खा लेता हूँ और समोसा बोला देखते हैं, समोसा और कुरमुरा वगैरह कुछ मिला के कुछ खाते हैं। तो ये आ गया समोसा और कुरमुरा, तो इसे हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मूढ़ी मूढ़ी समोसा। मूढ़ी समोसा जिसको मतलब समोसा सब लोग मिल के खा सके। हाँ पकड़िए पकड़, जरा मैं बनाऊँ, रुक। अच्छा चलो अभी मामा देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मामा श्री बैठ नहीं है, सिंपल खाली इसको ऐसा लेना है। आ रहा है, दिख रहा है क्या? इसको लेना, इसको खाली ना कचल देना। अरे बाप रे बाप, ठीक है। समोसे को ना कचल देना है, इसको ऐसे करो ऐसे करो, टुकड़ा करो पूरा इसका। मेन देखने में तो मस्त लग रहा है, खाने में भी अच्छा ही लगता है। तो ज़ूम करके दिखो तेरे, इसमें तो आलू ज़्यादा। अरे यार ये तो तेरा बदाम बदाम वाला है। देखो थोड़ा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, ज़ूम नहीं भी तेरा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा अच्छे से दिखा रहा हूँ। समोसा मूढ़ी ये ले, तेरा मूढ़ी समोसा रेडी हो गया। मैं हाथ धो के आता हूँ पहले। ओके गाइस, तो देख लो हमारा मूढ़ी समोसा। आपको तो ये व्हाइट दिख रहा होगा पर इधर असल में येलो है। देखो गाइस थोड़ा सा अच्छे से देख रहे गाइस, ये येलो है। मैं नहीं मानता गाइस, फोकस हो जा। हाँ देखो येलो है गाइस, मतलब देखो गाइस, अरे फोकस हो ना। ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। तो गाइस येलो है, गाइस येलो है। खा के देख। अरे मामा तुम पहले ट्राई करो। पहले ट्राई करो, लो ना। कैसे बनाया वो बताओ। कैसा लग रहा है? स्पून लेके आना, नीचे मत गिरा, नीचे मत गिरा। एक बाइट करूँ? ठीक है चलो गाइस, मामा श्री बाइट करेंगे हमारा। इसको ऐसा घुमा लेंगे अच्छे से, पहले घुमाने के बाद कैमरे में पूरा येलो एकदम व्हाइट लग रहा है पूरा, पर असल में पूरा येलो है। मम्मी को देखा, मम्मी को बाइट मारो। मम्मी तो मोबाइल में बात कर रही है, पूछ के देखना। जा चलो वहाँ तुम पकड़ो, वहाँ जा कैमरा और मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी जो है हम मम्मी को ये मूढ़ी मक्का समोसा देने वाला, देखते कि मम्मी भी फोन में बात करते करते लेती है क्या। चलो 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 चलो, फोन में उनका ये चल रहा है क्या, मैं भी लूँ। ये बन गया था मूढ़ी समोसा माखा मिक्स, समोसा और कुरमुरा। सेकेंड लॉट बन रहा है हमारा ये, और एक समोसा मिक्स किया है, थोड़ा सा कुरमुरा मिक्स किया है। आलू था ये समोसे में, आलू था उस समोसे में, आलू नहीं था। इसका कलर देख कितना चेंज हुआ था, कितना मस्त आलू आलू लग रहा है ये। पहले आलू लग ही नहीं रहा था, वीडियो में आ रहा है। हाँ, वीडियो में तो येलो येलो कलर का पूरा आ रहा है। उसमें आलू था ही नहीं, उसमें खाली तेरा ये था
समोसे का ये लग रहा था। देख कितना मस्त लग रहा था, कितना उसमें समोसा भी दिख रहा है, आलू भी दिख रहा है। बस देख टेस्ट करके देख अभी। हाँ थोड़ा दे सकता है इस पे। अच्छा बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। तो धनिया पत्ता का चटनी भी डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और भी इसे हम काइंड ऑफ भेल टाइप का बना देंगे। इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता चटनी लगा, वापस अभी हाथ अभी ये मत कर ले ना। हाँ हाथ धो के आ, वापस देखो माखना है इसको। ये चटनी डाल दे उस पर थोड़ा सा, दाल दाल चटनी डाल। और डालना कुछ भी नहीं होगा उसमें से, डाल दे। मिक्स कर उसको अच्छे से, इस चम्मच से मिक्स कर। ना ना छोड़ दे, इससे मिक्स कर अभी, रुक तेरा अभी हाथ ये है। मैं करूँगा। तो गाइस अभी इसे चटनी को मिक्स करेंगे। यस मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या खुशबू आ रहा है चटनी का, हाथ से मिक्स करता हूँ। कर मैं इसको जल्दी। वो एकदम पानी पानी हो गया है। देखो मामा हो गया। चल टेस्ट कर अभी, चल पटाख से टेस्ट कर। अच्छा हुआ है, बोल रहा वो चटनी रख दिया जा। गाइस ये जो डिश मैंने जो बनाया था या हम लोगों ने मिलके बनाया था ना, ये डिश मैंने देखा था एक बार ना, मैं कोलकाता टू मुंबई में आ रहा था और स्लीपर कास्ट से मैं ट्रैवल कर रहा था। तो उस टाइम पे ना कुछ गांव के लड़के थे, वो भी ट्रैवल कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने ना कुरमुरा साथ में लेके आए थे, और जो समोसे होते हैं वो 20 रुपये का दो तीन समोसे जो मिलते हैं ना ट्रेन में, तो इन लोगों ने वो समोसे उन्होंने खरीदा, और आई थिंक 2 जन ने मिलके समोसा खरीदा। काफ़ी गांव के एकदम काइंड ऑफ थोड़े से पैसे थे, तो इन्होंने क्या किया, 2 जन ने मिलके समोसा खरीदा। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 6 समोसा आ गए थे, और 1 जन ने अपने गाँव में तो बहुत कुरमुरा वगैरह तो बनता ही है, तो उन्होंने कैरी करके रखा। तो उन्होंने गमछा बिछा के सारे कुरमुरे का पैकेट खोल के 6 समोसा मिला के उन्होंने ये चीज़ बनाया था। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज़ मैंने आपके सामने देखा था, और जस्ट मैं उनका कोपैसेंजर था, बल्कि उन्होंने मुझे बहुत ही इंसिस्ट किया कि आप टेस्ट करो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो चीज़ को मैंने पहले टाइम में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट जैसे मैंने उसे टेस्ट किया, इतना मस्त मुझे टेस्ट लगा ना, मज़ा आ गया। तो मैंने सोचा था ना कभी वो चीज़ मैं एक बार ट्राई करूँगा, तो वो मैंने आज ये बनाया, काफ़ी अच्छा लगा। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, घर पे बना के खाइए, देखिए आपको भी मज़ा आएगा। सबसे टॉप ऑफ दैट ऐसा नहीं कि समोसे अगर कम है, कुरमुरा है आपके पास, तो बना के आप 3-4 आराम से मिलके से खा सकते हैं। हमने भी इंजॉय किया, आप भी इंजॉय कीजिए। सो गाइस इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं, बट इससे पहले ये कहूँगा यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक टाइम को वॉच टाइम देखे जाइए। ऑन दैट नोट इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणबीर।